नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथियों, एक और माँ है जो देश के बचपन को, हमारे जीवन को निरंतर पोषित करती आ रही है, जिसका आभार गोकुल की धरती से मैं जताना चाहता हूं। ये माँ है हमारी गौ माता। चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं गौ माता की। जी हाँ, सही सुना आपने, गौ माता जो आज मजबूर है कचरा खाने को, पोलिथीन खाने को और सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाने को। जी हाँ साथियों, कैसी विडंबना है कि देवताओं को भी भोग और मोक्ष प्रदान करने की शक्ति रखने वाली गौ माता आज चारे के अभाव में प्लास्टिक की थैलियों से पेट भरने को मजबूर है। हमारे देश में गाय को पूजा जाता है और पूजा करने के साथ साथ गाय को गौ माता का दर्जा भी प्राप्त है। शहरों में जगह जगह लगे प्लास्टिक के ढेर पर मुँह मारती गाय हमें सरेआम दिखाई दे जाती है। वहीं ये सोचनीय विषय है कि सरकारें भी आती हैं चली जाती हैं, लेकिन गांव के नाम पर राजनीति तो करती हैं, लेकिन कोई ठोस ठिकाना या उनकी देखभाल के लिए कोई ऐसा अधिनियम, कोई ऐसा कानून लेकर नहीं आती है। प्रधानमंत्री जी को साथियों, एक और माँ है जो देश के बचपन को, हमारे जीवन को निरंतर पोषित करती आ रही है, जिसका आभार गोकुल की धरती से मैं जताना चाहता हूं। ये माँ है हमारी गौ माता, जिसके दूध का कर्ज कम से कम भारत में कोई नहीं भुला सकता। गौ माता ने दूध, दही, मक्खन से अपने बाल गोपाल का हर तरह से पोषण किया था। साथियों, गाय हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का अहम हिस्सा रही है। गाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। यहां मथुरा में तो गो सेवा की एक समृद्ध परंपरा रही है। बहन सुदेवी दासी जी, जिनको हाल में ही पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, उनका जीवन हमारे संस्कारों की शक्ति को दर्शाता है। साथियों, गोकुल की इस भावना देश की भावना को विस्तार देते हुए पशुधन को स्वस्थ और बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया था। इस बार बजट में इसको विस्तार देते हुए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाने का फैसला लिया गया है। इस आयोग के तहत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान गौ माता और गौ वंश की देखभाल और इससे जुड़े नियम कायदों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए किया गया है। साथियों, पशुपालक परिवारों की सहायता के लिए अब बैंकों के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं। फसली ऋण की तरह पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड के तहत बैंकों से 3 लाख रुपए तक का ऋण मिलना सुनिश्चित हुआ है। इससे हमारे तमाम पशुपालक बहन भाइयों को बहुत लाभ होने वाला है। साथ ही ये कदम देश की डेयरी इंडस्ट्री का विस्तार करेगा।
जब डेयरी इंडस्ट्री का विस्तार होगा तो पशुपालकों की जेब में ज्यादा पैसा पहुंचेगा और उनका जीवन आसान होगा। साथियों, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों शहरों में सैकड़ों की संख्या में गाय व उनके बछड़े और बैल अपना पेट भरने के लिए दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, लेकिन न तो प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान है और न ही गायों के हक में लड़ाई लड़ने वाले समाज के ठेकेदारों का। एक ओर जहां गौ माता सड़कों पर घूमती नजर आ रही है, वहीं तो दूसरी ओर भूखी गाय कचरे से गंदगी व पोलिथीन खाने को मजबूर है। गौ माता के नाम पर दलितों की हत्याएं करने में तो भाजपा सबसे आगे है, अपना एजेंडा चलाने में तो सबसे आगे है, मगर जिसको गौ माता कहते हैं उसको कूड़ा खिलाकर मृत्यु पर पहुंचाने के लिए भाजपा दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से तत्पर है। जो गाय कूड़ा खाएगी उसका दूध क्या होगा और उससे कितनी बीमारियां होंगी आप सोच भी नहीं। विदेश का कोई भी धर्म आप ढूंढ लें, जिस संस्कृति के अंदर मां के बारे में कहा जाता हो कि मां को कूड़ा खिलाया जाता हो। आज देश की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि देश में कुत्ते बिस्कुट खा रहे हैं और पेट की आग बुझाने के लिए सैकड़ों गायें प्लास्टिक बैग खाकर प्रतिदिन अकाल का मौत का शिकार बन रही है। ऐसे में यह सवाल विचारणीय हो जाता है कि आखिर क्या वजह है कि भारतीय संस्कृति में बेहद उच्च स्थान रखने वाली गायें इस समय दर दर की ठोकरें खा रही हैं। क्यों प्राचीन काल से ही भारत में समृद्धि का प्रतीक माने जाने वाली गायें आज भूखी प्यासी हैं और कचरे के ढेर पर पोलोथीन और कूड़ा करकट खाने को मजबूर हैं। हिंदू धर्म में तो गाय के महान और अनमोल गुणों को देखते हुए उसे माँ देवी और भगवान का दर्जा दिया गया है। गाय वैदिक काल से ही भारतीय धर्म संस्कृति सभ्यता और अर्थव्यवस्था का प्रतीक रही है, परंतु क्यों आज गाय सड़कों पर आवारा घूमती दिखाई देती है और भूखी गाय कचरे से गंदगी और पोलोथीन खाने को मजबूर है। आजकल भारत में जहां गौ रक्षा गौ सुरक्षा और गौ संवर्धन को लेकर कवायदे हो रही हैं, वहीं भगवान श्री कृष्ण के देश में पवित्र गायें अपनी प्राण रक्षा के लिए कूड़े के ढेर में कचरा और प्लास्टिक खाने पर मजबूर है। चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। सर, इस देश के लोगों का यही है किस्सा कि जिसको जिताया वो राजा की तरह जाएगा और जिन्होंने जिताया वो फकीर की तरह। हमारे किसान अपनी मवेशी को अपनी फसल को माँ की तरह पूछते हैं, जिस खेत में वो हल चलाते हैं उस जमीन को नमन करते हैं। इसका जवाब अगर आप देश के किसान से पूछेंगे तो वो आपको यही बात बोलेंगे कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। जगतगुरु शंकराचार्य सरस्वती ने गौ हत्या रोकने के लिए कानून बनाने की वकालत की। उनकी इस वकालत के साथ ही उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी गाय को लेकर लंबे समय से राजनीति करती रही है उसी बीजेपी की अब तीसरी बार केंद्र में एनडीए सरकार बन चुकी है, मगर गौ हत्या को लेकर अब तक कानून नहीं बनाया गया है। शंकराचार्य सरस्वती ने कहा है कि अब तक गौ हत्या विरोधी कानून बन जाना चाहिए, लेकिन ये कानून अब तक नहीं बना। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और देश की केंद्र सरकार पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा है कि गौ रक्षा को लेकर देश में कानून बने, इसके लिए हम लोगों ने कई राजनीतिक दलों को चुनाव में जीत दिलवाई, लेकिन किसी ने भी कानून नहीं बनाया। उन्होंने बीजेपी के सीधे कटघरे में करते हुए कहा है कि जो लोग ज़्यादा गौ रक्षा की बात करते हैं आज वही बीप का ज़्यादा निर्यात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार की तमाम योजनाओं और परियोजनाओं में से एक महत्वपूर्ण परियोजना गौ रक्षा अभियान है। इसके तहत आवारा पशुओं के लिए तमाम सुविधाओं से युक्त पूरे प्रदेश भर में गौ आश्रय केंद्र बनाए गए हैं। अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में वार्षिक रूप से गौ रक्षा कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रम जैसी योजनाओं पर 1000 करोड़ का बजट खर्च होता है, लेकिन सारा खेल बहुत जटिल है। गाय बचाने के लिए बनी योजनाओं का लाभ उठाने वाले निहित स्वार्थी तत्वों का एक हुजूम गायों के नाम पर बजट को साफ करने में लगा है। कथित रूप से गौशालाओं में गाँव के लिए हर उन जरूरी चीज़ों की उपलब्धता होती है जो उनसे संबंधित होती है,
यह मैं कागजों पर बने बजट ढांचे के हिसाब से कह रहा हूं, जबकि दूसरी ओर तमाम अभाव और विसंगतियों से भरा पूरा यह खेल अधिक भयावह तस्वीर पेश करता है। योजना के अनुसार चारा, पुआल, भूसा, खली, चोकर, चुनी, पशु आहार, गुड़ और पानी के साथ ही रोगों से लड़ने और उससे उभरने के लिए अच्छी दवाइयों की भी समुचित व्यवस्था है। इसमें हर महीने लाखों में बजट आता है। इसमें अस्थायी तौर पर 4-6 लड़के नियुक्त होते हैं। यह अलग बात है कि उनकी नियुक्तियाँ अस्थायी तौर पर ही होती हैं, उन्हें मानदेय भी उचित तौर पर ही नहीं दिया जाता, उन्हें झूठ का ही प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें पहले से ही समझा दिया जाता है कि कोई भी मिले और पूछे तो बताना कि चारा इतना आया, इतना खिलाया गया, इतनी दवाई आई, इतनी खिलाई गई, वगैरह वगैरह। साथियों, हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना भी न भूले। मैंने कई छोटी छोटी गौशालाओं का दौरा किया है और वहाँ भी हालात बहुत खराब है। कहीं कहीं एक बाड़े में दर्जन भर गाय हैं, लेकिन सबकी सब मरणासन अवस्था में हैं। पूछने पर पता चला कि जितना सरकार देती है उतना तो खिला ही रहे हैं, उससे ज़्यादा कहाँ से खिलाएंगे। उन्होंने बताया कि 12 रुपये किलो भूसा है और एक गाय के लिए 3 किलो भूसा मिलता है, लेकिन एक गाय दिन भर में 5 किलो भूसा खा जाती है। ऐसे में ज़्यादा भूसा हम कहाँ से लाएंगे। सोचिए आप, ये दुर्दशा है, चारा पानी तक नहीं मिल रहा है, गौवंश भूखे प्यासे मर रहे हैं क्योंकि गौशालाओं के नाम पर योगी सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, केवल लूट हो रही है, और इसको चलाने वाले लोग भाजपा से जुड़े लोग हैं और सरकारी अधिकारी मिलकर के चारा पानी तक खा पी जा रहे हैं। बताइए आप, ये स्थिति है। और किसी गौशाला को आप देखाइए, किसी गौशाला में चले जाइए आप, और जिस दिन गौशाला के नीचे आसपास खुदाई होगी, न जाने कितनी गौशाला चलाने वाले लोगों ने जेबीसी मशीन लगा करके वहीं के पर गाड़ दिए गाय। आप किसी को दिखवा लीजिए, बाजारों में सांड गोवंश, सड़कों पर सांड, खेतों में सांड, खेती किसान कितनी जान जा चुकी है। पिछली बार भी हम लोगों ने सूची दी थी, 5,000 अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी सूची दी थी कि जिन लोगों की जान गई है खेतों में, किसानों की, मजदूरों की, और उनकी क्या सरकार ने मदद की है। इसलिए 250 करोड़ से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप ईमानदारी से सेवा करना चाहते हैं, अगर नंदी मानते हैं उसको, सच्ची सेवा करना चाहते हैं, तो 250 करोड़ से नहीं, आपको 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए इसके लिए। संघी विचारधारा वाली सरकारों ने गाय के बहाने कई निशाने साधे हैं। उसने जहां पिछड़े समाजों को उसमें उलझाया है, वहीं गौपालकों का एक ऐसा तंत्र भी विकसित किया है जो सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं को मील बांटकर खा रहा है। इसके बावजूद न केवल गायों की जिंदगी नरक से बदतर हो चुकी है, बल्कि उनकी समस्याओं का कोई हल भी नज़र नहीं आ रहा है। साथियों, विचारणीय प्रश्न यह है कि अब गाय केवल पॉलिथीन खाने तक ही सीमित नहीं रह गई है। अब गाय की हिफाजत के नाम पर लोगों को पीट पीट कर मार डाला जाता है, और ये गौ रक्षा की राजनीति सीधे सीधे वोट की राजनीति से जुड़ गई है। जितना बांट सकते हो समाज को बांटो, अल्पसंख्यकों को जितना मार सकते हो मारो, उतना वोट मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि इस राजनीति के जनरल बड़े सीनियर लोग हैं। साथियों, गौ रक्षा के नाम पर हुई हिंसा में मारे जाने वाले 86% मुसलमान हैं। हालांकि दूसरे समुदायों पर भी हमले की बात सामने आई है, जैसे गुजरात के ऊना में 6 दलितों को जो मरी गाय का चमड़ा निकाल रहे थे, कथित गौ रक्षकों के द्वारा बुरी तरह पीटा गया, जिसके बाद गुजरात में दलितों का एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था। साथियों, भारत में गाय राष्ट्रीय पशु बने न बने एक राजनीतिक पशु जरूर बन गई है। बहस के एक तरफ वैसे लोग हैं जो गाय को गौ माता का दर्जा देते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसका संरक्षण करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ वैसे लोग हैं जो गाय को भक्षण। आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल संवाद लाइव। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।